मॉडल भी आ गए हो बहन हो बहन, ये जान के क्या हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, काम शाम कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे। सो इन टुडेज़ व्लॉग वी आर शूटिंग फॉर काफ बाय किसला। इट्स माय न्यू बिजनेस, इट्स लाइक अ स्मॉल क्लोथिंग ब्रांड आई स्टार्टेड। इससे पहले तो मैंने इसकी किड्स कलेक्शन निकाली थी क्योंकि वी वॉन्टेड टू स्टार्ट इट विद दैट, लेकिन आज हम इसकी अडल्ट कलेक्शन का शूट करने लगे हैं जिसमें से जो दो आर्टिकल्स हैं वो मैं पहनूंगी और मेरा शूट होगा, विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग क्योंकि जब मेरा शूट होता है तो मैं बहुत टफ टाइम देती हूँ। जलवा है हमारा बनाने वालों को, क्योंकि ऑफकोर्स आप जिस काम कर रहे होते हो आप फिर जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते। कि वो किस तरह से आज का शूट जाता है। बिफोर वी स्टार्ट द शूट आई थॉट कि हाँ मैं जो हूँ वो एक हिजाब ट्यूटोरियल जो एक लुक तैयार होनी है वो यहाँ पे आप लोगों के साथ हो जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि हिजाब ट्यूटोरियल शेयर करें। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज़ दिस वन। वैसे तो ये सारे इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट होंगी तस्वीर आपने तब देखी है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो मैं इससे देती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट वन आर्टिकल, दिस वन इज़ माई फेवरेट वन, आई लव द स्लीव्स, ठीक है। और दिस हिजाब इन पीआर फ्रॉम ह्यूज एंड पर्ल, आई लव द क्वालिटी, बहुत अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम इस स्टफ का हिजाब करने लगी हूँ विद कैप स्पेशली, वरना मैं बगैर कैप के हिजाब करती होती हूँ। सो इसके साथ जो है वो लकीली मेरा ये मैच हो गया। ओके सो द सेकेंड आर्टिकल इज दिस वन, दामन पे ऐसे इसके ये एम्ब्रॉयडरी पेंट हुआ है और इसके साथ हमारे पास चुनरी का दुपट्टा है और साथ में हरारा है। ये आर्टिकल सेम टू सेम किड्स कलेक्शन में भी था, बट मुझे बहुत मैसेजेस आए मदर्स के दे वांट ट्विनिंग विद इट। पर्सनली आई लव दैट टू। इसका दुपट्टा मतलब बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन, वैसे ही पर्पल जो है वो मेरा फेवरेट कलर है, तो वी थॉट कि एक आर्टिकल हम इसका भी रेडी। फर्स्ट में ये पहन रही हूँ, इसके साथ हिजाब भी आप लोगों को करके दिखा। सो ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है, आई मेकअप भी कर लिया जितना थोड़ा बहुत मुझे आता था, नॉट प्रॉपर, जस्ट लेंस लगाए हैं और आईलाइनर लगाया है। बाकी अब हम हिजाब करते हैं, ठीक है। और जो वैसे तो मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आपकी मेन हिजाब में यही होता है कि आपकी ये चीज़ सेट हो जाए, अगर क्योंकि फेस को ये होता है, नीचे से आप जो मर्जी करो डजंट मैटर। हमारा हो गया, मैंने काफ़ी लूज सा हिजाब रखा, अभी जब इसकी लुक जो है ना वो सही से निकलेगी जब मैं इसके साथ इयररिंग्स पहन लूँगी। टेल मी गाइस के ये अच्छे लग रहे हैं, जैसे ये बहुत ही लाइट पर्पल बॉल है, सिंस आई हैव सो मेनी पर्पल क्लोज तो मेरे पास पर्पल इयररिंग्स की भी कलेक्शन है। ये भी है, आई थिंक ये अगर मैं पहनूँगी तो मतलब आपस में मिक्स हो जाएंगे। दिस वन लुक्स नाइस क्योंकि इसका जो बेस कलर है वो शर्ट से मैच हो रहा है, तो आई थिंक दिस वन विल। That's how it looks like, जो बिल्कुल परफेक्ट सा हो गया। मुझे इयररिंग्स दिखाने थे तो वो भी ओवरऑल मतलब दिस विल बी द साइड, माई पिक्चर साइड, और यहाँ से हम इसको जो है ना पिनअप कर लेंगे ताकि हमारी जो ये फॉल हमने सेट की है वो एज इट इज़ ही रहे। बाकी इसका स्टफ़ जो है वो सिंपल लॉन का है जो होता है हिजाब्स का, नॉट दैट रेशमी जॉर्जेट वाला, वो उस वाले नेक्स्ट ड्रेस के साथ है और वो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी मुश्किल होगी उसको करना। नाउ विल वेयर सम बैंगल्स, यू नो आज हम मॉडल हैं, हम वो नहीं हैं, फोटोग्राफर नहीं हैं, तो इसलिए हम आज फुल रेडी होंगे। लुक इसको यूँ भी लिया जा सकता है, बाकी फुल लुक तो आप लोगों को मैं वहाँ जाकर ही दिखा सकती हूँ या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें किसला फोटो वर्क्स, इसको यूँ भी लिया जा सकता है। इट लुक्स नाइस लाइक दिस। रेडी तो मैं हो गई हूँ अभी, वैसे टाइम से ही हो गई हूँ, पहले मुझे लग रहा था कि मैं नहीं हो पाऊँगी, और मैंने लिपस्टिक तो लगाई नहीं है, मतलब तुमसे ना हो पाएगा। आई बी बैक। सो आई एम फाइनली ऑल सेट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय फोटोग्राफर। ए रहा नहीं जाता कि वो आए मुझे पिक कर ले, आई जस्ट
हमारे साथ बहुत सीन हो गया कि सबा को मैंने कहा था कि गाड़ी पे आना और ये इसको भूल गई और ये रिक्शे पे आ गए और रिक्शे पे मेरा इतना सामान था, मैंने ड्रेस चेंज करना था और वो सारा कुछ। और अब हम तो जा रहे थे लेकिन बीच में हमें आइडिया आया कि हम पहले घर चले जाते हैं, घर से ना गाड़ी ले लेते हैं। एंड वी वर लाइक हाँ ये आइडिया ना ठीक है। अब हम घर आए हैं और हमने ये कहते हैं ना गाड़ी लिया और मुझे याद आया कि मैं अपनी हिजाब कैब जो हूँ वो घर भूल आई। भाई मारो मुझे, मारो मारो। अब फिर घर जा रहे हैं, मतलब आज हमारा दिमाग खराब हो गया। सो आई डोंट थिंक सो मेरी दो लोग डे लाइट में हो सकेगी क्योंकि ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, 5:15 हो चुके हैं। 1 hour later हमने जो है वो हिजाब कैब भी ले लिया है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। आज सही हमारा यार शुगर चल रहा है, घूम ही जा रहे हैं रोड पे, ये नहीं है कि शूट पे पहुँच जाए। आज पता चल रहा है शूट करना कितना मुश्किल काम है। मैंने इतनी दफ़ा लिस्ट यार दिमाग में बनाई कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ भूल ना जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं माई मॉडल इज हेयर। हमारी मॉडल भी आ गए भैन, क्या हो मर जाए। फातिमा को भी ले लिया जो कि मरते मरते बची है। सो अब हम जा रहे हैं लोकेशन पे, जाते जाते हमारी अंकल से लड़ाई भी हो गई जिसकी वजह से उन्होंने फातिमा को मारने की कोशिश की है क्योंकि देवर सिंह की गाड़ी रिवर्स करो और पीछे रिवर्स करने की जगह कोई नहीं थी। खैर मर्दों को आदत होती है, अगर उन्हें पता चल जाए कि कोई लड़की गाड़ी चला रही है तो ठोक दो उस पर, चिल्लाओ एवं। और हम फाइनली पहुँच गए हैं 6-7 बजे। कैमरा तो निकालो, वो तो निकला हुआ। ये किसका है? मेरा। मेरा निकालो। लड़कियों में बस कैमरा करने की देर है। लोकेशन पर पहुंच गए हैं और यहाँ शूट चल रहा है और मैं अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ कि मेरी बारी कब आएगी। माँ का ऑलमोस्ट शूट जो है वो कर लिया और मेरा अब तक नहीं हुआ और मैं सारी मेरी तैयारी भी खराब हो चुकी है। स्टिल आज हम फोटोग्राफी के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं, सबा का किया है, फातिमा का किया है। अब हम दूसरी लोकेशन पर जाएंगे। ये क्या है? धागा है। दूसरी लोकेशन पर जाएंगे और अपना शूट करते हैं। 6 बज गए ऑलमोस्ट। सो मेरा रह गया था और मुझे इस दरवाजे के आगे शूट करनी थी, बट ये साहब डॉगी भाई यहाँ रेस्ट कर रहे हैं और मुझे शदीद डर लगता है। इसको उठाओ यार, टाइम जा रहा है। फैन मोमेंट चाहता है। एक्सक्यूज मी भाई, हेलो हेलो, उठ जाओ प्लीज प्लीज। यार मैं मेरे पीछे पड़ गया ना। हाँ जी, नेवर सेटिस्फाइड किजला। गाइस लाइट जा रही है और वीडियो नहीं हो सकी, बहुत ज्यादा ही टेंशन। मेरी अभी वीडियो बनी ही नहीं है, किजला रह गई है। पिक्चर्स मैंने कर दी हैं पर वीडियो हमें, किजला ने मेरा शूट कर दिया पर किजला का खुद का रह गया। मुझे टेंशन हो रही है, हम कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। लाइट बिल्कुल चली गई है, आप रह गए हैं। भी मेरा शूट होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मतलब मेरी बर्थडे थी तो मैं केक का ऑर्डर देना भूल गई, पर उस दिन मजा आया था। मजा तो चलो आया, मैं रो कर आई थी और आज ये हो गया। हालांकि कितना प्लान किया था हर चीज इस बर्थडे में, सब ऑलरेडी प्लान रखेंगे। और मैंने करनी ही नहीं है इस दफा बर्थडे, कैंसिल हो गया मेरा, कर दो। फातिमा का शूट डन हो गया, अब किसला की बारी। ऐसे लग रहा है हॉन्टेड प्लेस में है। लाइट बिल्कुल जा चुकी थी तो अब हम रेस्टोरेंट आ गए हैं ताकि मेरी वीडियो शूट हो सके, जो कि दैट्स ही। अभी मैंने एक ड्रेस चेंज भी करना है, बहुत आज मिसमैनेजमेंट रही है। सो अल्लाह अल्लाह करके हमारा शूट हुआ, देखते हैं कैसा हुआ है। अब हम लोग चेंज करते हैं। काफ़ी मुश्किलों से आज मैंने वाला हिजाब सेट किया है, होप पिक्चर्स अच्छी आ जाए इसमें। हमारा शूट हो ही गया ऑलमोस्ट, आई थिंक दूसरे लुक में मुझे अपना शूट इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। सो नाउ वी आर जस्ट सो हंग्री, अब हमें समझ नहीं आ रहा हम 14th स्ट्रीट जाएं या KFC जाएं। सवा तुम बताओ कहाँ जाएं? 14th स्ट्रीट। और तुम बताओ? KFC करूंगी। और फातिमा ये तो अपनी मर्जी का बताएगी फिर। नहीं आई कैन ट्रस्ट कर लेते हैं। अब मैं अभी मैंने चूज नहीं किया है, चूज करो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, ये रिंग प्यारी है, सो दिस वन। पहले ये भी KFC देखा, चलो KFC चलते हैं। फाइनली हम ये KFC आ गए हैं, बहुत खुआरी होने के बाद आज का दिन
हमारे लिए अच्छा नहीं था। अल्लाह करे अब KFC अच्छा हो जाए। हमारा खाना भी आ गया। KFC वालों ने इतना भी गर्म उठा के दे दिया है कि मेरे हाथ जल गए, इसमें धुआं निकल रहा है, पता नहीं क्या हो गया था। जिन्हें खा भी लिया और अपने घर वालों के लिए ले भी लिया। अब चलते हैं घर। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, हमने घर ज़रा भी इन्जॉय नहीं किया, बड़ी खवारी रही है। लेकिन मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।